क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में दो केसेस हो सकते हैं, एक गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। फर्म पार्टनर को कह रहे कि भाई साहब आप कम से कम इतने पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे, आओ काम करो हमारे साथ। गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। एक होता है गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर कह रहा है फर्म को कि मेरी वजह से इतने पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे। दो अलग केसेस हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ध्यान से देखना, थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप। प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। तो वो चीज भी आ गई कि गारंटी गिवन टू अ पार्टनर वो भी है, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म वो भी है, दोनों गारंटी कवर हो जाएगी। सी को बोला कि भाई साहब आप कम से कम 15,000 पर एनम तो कमाओगे ही कमाओगे। कुछ मेंशन नहीं है कि ये गारंटी किसने दी, फर्म ने दी। फर्म में बचा कौन? सी को तो मिल रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी। किस रेशियो में दी? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी। हमेशा ध्यान रखना, कुछ मेंशन नहीं है तो गारंटी किसने दी? रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी। किस रेशियो में दी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी। कि मतलब उनको पैसे देंगे ना, जो भी शॉर्टफॉल होगा वो कौन बेयर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक ये चीज हो गई। सेकेंड, जो इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन अलोन। पहले वो अकेले काम करता था, कह रहा जितना मैं अकेले कमाता था ना एवरेज, उतने तो कमा के दे ही दूंगा। Which on an average works out at 25,000। जब वो अकेले काम करता था तो on an average 25,000 रुपए कमाता था। तो उसने बोला मेरी वजह से इतने पैसे तो कमा ही लोगे। The profit for the first year, firm का profit 75,000 है। Gross fee earned by B for the firm is 16,000। तो profit तो एक अलग चीज हो गई, वो तो firm का profit है। B की वजह से कितनी फीस आई? 16,000। बी ने क्या बोला था? मेरी वजह से कितने कमाओगे? 25,000। अब जो बी की गारंटी है उसको दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक कि बी ने बोला कि 25,000 कमाओगे, कमाए आपने 16,000, 9,000 का शॉर्टफॉल है, बी 9,000 लेके आएगा, उसके कैपिटल में से ले लेंगे हम। तो अगर वो फर्म को 9,000 देगा तो फर्म का प्रॉफिट 9,000 से बढ़ जाएगा। 75,000 ऑलरेडी है, 9,000 से बढ़ जाएगा, 84,000 हो जाएगा। वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर देखेंगे कि ए बी सी को कितने मिल रहे हैं। ए की कोई गारंटी थी नहीं, बी की कोई मिनिमम गारंटी थी नहीं, सी की थी कि सी कम से कम इतने रुपए कमाएगा। फिर देखेंगे अगर वो नहीं कमा रहा, कोई डेफिशिएंसी है, तो वो ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर कर। तो करके दिखाता हूं। ऑप्शन 1 कि जहां पे जो भी बी ने बोला है कि मेरी वजह से इतने कमाओगे, अगर कोई शॉर्टफॉल है तो बी उतने पैसे एडिशनली दे देगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 91 बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 75,000। ठीक, बी लेके आएगा, बी फर्म को पैसे दे रहा है, तो उसकी कैपिटल में से, मतलब वो एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहा, जो बी के पैसे है उसके अकाउंट में से काट लो इतने पैसे, फर्म को ट्रांसफर कर दो। बी के पास जितने भी पैसे हैं उसके अकाउंट में से इतने पैसे काट लो, फर्म को ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बी और पैसे नहीं ला रहा, बेसिकली बी कॉम्पेंसेट कर रहा है फर्म को, क्योंकि उसकी वजह से उसने बोला था कि मेरी वजह से आप कमाओगे 25,000, कमाए सिर्फ 16,000, 9,000 कम कमाए, अब बी को देने पड़ेंगे फर्म को 9,000। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट।
कितने लाया 9000। अब फर्म के पास होगा 84000, 84000 का क्या करेंगे, बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ए बी सी। ए को कितने मिलेंगे, 3:2:1 है ना, 84000 इंटू 3/6, ए को मिलेंगे 42, बी को 84000 इंटू 2/6 28000, सी को मिल जाएंगे 14000, 84000 इंटू 1/6 14000, ए को मिले 42, बी को मिले 28, सी को मिले 14000। तो बी ने तो अपनी गारंटी मीट कर दी कि उसने कहा था मेरी वजह से 25000 कमाओगे, 16 कमाए, 9000 का शॉर्टफॉल था, कैसे निकाला था, उसने बोला 25 कमाओगे उसकी वजह से आए 16, 9 का शॉर्टफॉल 9 को लिया, ओके। एक एडिशनल गारंटी थी, सी को बोला था कि भाई साहब आप कम से कम 15000 कमाओगे। अब डेफिशिएंसी कितनी है सी की, 1000, क्योंकि बोला 15000 था, कमा वो 14000 रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ सी, डेफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है, 15000 - 14000, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, 1000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपस में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, 3:2:1 तो टोटल है, सी को 1000 देने तो ए और बी देंगे किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए विल गिव कितना है, 1000 इंटू 3:2 मतलब 3/5, 5:2 ₹600 देगा। बी विल गिव 1000 इंटू 2/5, 5:2, 2×4 ₹400 कैसे दिखाएंगे, सी में एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी, ए कितने देगा ₹600, बी कितने देगा ₹400, सी के टोटल कितने हो गए ₹15000, इतने ही बोले थे उसको। ए में क्या करेंगे, लेस ट्रांसफर टू सी -600, कितने रहेगा इसके पास, 41400, सॉरी एक सेकंड, 41400, ओके। बी में क्या लिखेंगे, लेस ट्रांसफर टू सी -400। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, एक तरीका करने का जिसमें क्या जितनी भी शॉर्टफॉल थी वो बी लेके आए, लेके इन द सेंस कि उसके कैपिटल में से पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, फर्म को दे दिया। अब बी कहता है कि यार 9000 मेरी वजह से कम कमाए, तो 9000 आपने मेरे पूरे के पूरे कैपिटल में से ट्रांसफर कर दिए, फर्म को दे दिए, ओके जी। 9000 फर्म के पास आए, फर्म के प्रॉफिट्स 9000 से बढ़ गए। अब ये 9000 हम तीनों आपस में बांट रहे हैं 3:2:1 में, इस 9000 से फर्म के प्रॉफिट्स 9000 से बढ़ गए जो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए एबीसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बी कहता है कि 9000 लेके मुझसे, मुझे ही 3:2:1 मतलब 1/3, 3000 आप वापस कर रहे हो, कह रहे फिर 3000 कम ले लेते मेरे से, और जो मुझे प्रॉफिट दिए थे आपने जो मैं कमा रहा था उसमें से ही ए का शेयर मैं दे दूंगा, जितना भी ए को कितने देने हैं, थ्री अगर 9000 होता, 9000 जो फर्म के पास प्रॉफिट्स आए, ध्यान से देखना 9000 में किसका कितना शेयर था, ध्यान से देखना 9000 जो वो बी एडिशनली लाया
वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुए? ऑप्शन वन में ए बी सी। ए को क्या मिला? 3/6। बी को क्या मिला? 2/6। और सी को क्या मिला? 1/6। तो 3/6 मतलब ए को 4500, बी को 3000 और सी को 1500। इतने पैसे मिले। तो बी कहता है कि पहले मैं 9000 पूरे लिए आपने मुझसे और मुझे 3000 वापस कर दिए, तो उससे बेटर ये नहीं होता कि ए को तो 4500 ही और मिलने चाहिए बी की वजह से और सी को 1500। तो अगर बी ए को 4500 दे दे और सी को 1500 दे दे तो उसको पूरे 9000 लाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे नेट इम्पैक्ट सेम आएगा, क्यों पूरे 9000 लाऊं, एडजस्ट करवाऊं, फिर उसी में से 3000 आप मुझे ही रिटर्न कर दो। कह रहे ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। एक ऑप्शन है ये करने का। दूसरा ऑप्शन जो बेटर ऑप्शन है वो होता है नेट इम्पैक्ट दिखाना, कि जिसका जितना नुकसान हुआ उसको कॉम्पेंसेट कर देगा बी। बी ने बोला था ना मेरी वजह से 25,000 कमाओगे, कम कमाए तो कुछ नुकसान हुआ फर्म का। ए और सी का जितना नुकसान हुआ, बी अगर उनको पैसे उतने डायरेक्टली दे दे तो ए और सी को फर्क नहीं पड़ता कि नहीं, पहले उसके कैपिटल में से लो। कह रहे ऐसी कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अपने पैसों से मतलब है, आप इसके जो प्रॉफिट दे रहे हो उसमें से काट के दिखाओ या ये एडिशनली उसके कैपिटल में से ट्रांसफर करके दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए को अपने पैसे मिलने चाहिए, सी को अपने पैसे मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन कैसे चेंज हो जाएगी अगर नेट इम्पैक्ट दिखाएंगे डायरेक्टली। तो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट 75,000 ही है। करते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड। बाय नेट प्रॉफिट 75,000। अब 75,000 का नेट प्रॉफिट था, अब कैलकुलेट करते हैं किसको कितने मिले। अभी बी ने अपनी डेफिशिएंसी पूरी नहीं करी, कह रहे अभी रुक जाओ पहले बताओ किसको कितने मिल रहे हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। अब ए को कितना मिला? अगर 75,000 ही होते तो 3:2:1, 75,000 इंटू 3/6, 37,500। बी का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25,000, सी का आएगा 12,500। इतने मिले। अब बी की वजह से ए और सी का कितना नुकसान हुआ वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। ए को 4500 कम मिल रहे हैं, सी को 1500 कम। तो ये कहते हैं टेंशन नहीं, मैं दे देता हूं आपको। तो क्या हुआ? लेस ट्रांसफर टू ए, लेस ट्रांसफर टू सी। बी ने ए को 4500 दिए और सी को कितने दिए? 1500 दिए। ए के पास कितने आ गए? एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी कितने आए? 4500। सी के पास एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी कितने आए? 1500। अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आने के बाद इनका क्या हो गया? ए के पास अब कितने हो गए? 42,000। एक जरूरत नहीं है बीच में मेरे को ऐसे कैलकुलेशन, मैं डायरेक्टली लास्ट में भी कर सकता हूं, बस ऐसे अभी ब्रेक करने के लिए। बी के पास कितने रह गए? 19,000 और सी के पास कितने हो गए? 14,000। अब ध्यान से देखना, अब मैं कंपेयर करके दिखाता हूं।
कि पहले जब वो पूरे पैसे ला रहा, मतलब उसके कैपिटल से पूरे ट्रांसफर कर रहे थे, 75,000 फर्म का प्रॉफिट था, 9,000 पूरे के पूरे उसके कैपिटल से यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तब ए को कितने मिल रहे थे 42,000, अब ए को कितने मिल रहे हैं 42,000 कि 75,000 में से 37,500 और जो उसका शॉर्टफॉल था वो बी से ट्रांसफर कर दिया 42,000। सी को पहले कितने मिल रहे थे 14,000, वो डेफिशिएंसी तो अभी आएगी और अब कितने मिल रहे हैं 14,000, 12,575 में से, बाकी बी ने दे दिए 1,500। तो ए और सी को फर्क नहीं पड़ता कि बी से पूरे 9,000 ट्रांसफर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करे या बी डायरेक्टली ए और सी को उनका शेयर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सेम अमाउंट ही मिलेगा। फर्क कहां पड़ता है? बी में। अब बी में ध्यान से देखना, जहां उसको 28,000 मिल रहे थे शेयर इन प्रॉफिट्स, अब उसको कितने मिल रहे हैं 19,000। कितना डिफरेंस है? 9,000 का। क्यों डिफरेंस है? कह रहे क्योंकि वो 9,000 नहीं लाया जो वो पहले लाया था। फर्क क्या है? पहले यहां पे 28,000 आ रहा था उसका और हम उसके कैपिटल को डेबिट भी कर रहे थे 9,000। इवेंचुअली जब कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो बी को क्रेडिट हुए 28,000 और डेबिट हो गए 9,000, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस तो नेट क्रेडिट ऑफ 19 ही रहेगा। नेट इंपैक्ट एग्जैक्टली सेम है कि आप पहले किसी को 28 दो और उससे 9 ले लो तो भी 19 मिले उसे, एक डायरेक्टली कह रहे वो करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आपस में ही सेट ऑफ करो तो 19 ही है। और क्या बची थी? सी की गारंटी थी कि सी कम से कम 15,000 कमाएगा, वो सेम है, 1,000 की डेफिशिएंसी जो हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी, ए विल गिव 600, बी विल गिव 400। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे, लेस ट्रांसफर टू सी कितने देगा 600 रुपए, इसका फाइनल एग्जैक्टली सेम 41,400। बी लेस ट्रांसफर टू सी कितने देगा 400 रुपए, कितना हुआ फाइनल 18,600। ओके, सी को मिले एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, ए से कितने आए 600 एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी कितने आए 400, कितने हो गए इसके पूरे 15,000। पिछले केस में कितने मिले थे 15,000, पिछले केस में ए का फाइनल अमाउंट क्या था 41,400, इसमें कितना है 41,400। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पिछले केस में बी पूरे 9,000 उसके कैपिटल से हम ट्रांसफर कर रहे थे इसीलिए उसको 27,600 मिल रहे थे, वो कह रहे कि आप मुझे ही मेरे पैसे वापस कर रहे हो जिसका कोई लॉजिक है नहीं, तो ऐसा करो मेरी कैपिटल से पूरा मैं नहीं ला, जो मुझे प्रॉफिट दे रहे थे ना आप उसी में से ही काट लेना। नेट इम्पैक्ट सेम है, अगर मैं इवेंचुअली पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट ही बनता है तो कैपिटल अकाउंट अगर बनाता, ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट अगर बनाता सिर्फ बी की अगर बात करूं तो क्रेडिट्स बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर पूरे पूरे लेता तो 27,600 टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन 9,000, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आता कैपिटल अकाउंट का, बी की सिर्फ बात हो रही है बीस कैपिटल अकाउंट, तो कितना आता 18,600। और इस केस में कितना आएगा 18,600 बी का। नेट इंपैक्ट दोनों केसेस में सेम, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कॉन्सेप्ट कौन सा था? व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, वो वाला भी कवर हो गया यहाँ पे कि गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, वो तो हो गया, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी हमारी किस पे थी, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, तो उसमें हमने दोनों तरीके से करके देखा, दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली करेक्ट है। ऑब्वियसली आपको सामने शेयर इन प्रॉफिट्स अलग दिख रहे हैं बट इवेंचुअली जब बुक्स क्लोज होती हैं तो वो सेम आएंगे क्योंकि इसमें कैपिटल क्रेडिट भी है डेबिट भी है, इसमें नेट इम्पैक्ट है।
टेक्निकली बेटर होता है नेट इम्पैक्ट से करना, बट कुछ बुक्स ऐसे टोटल्स दिखाती हैं, कुछ बुक्स नेट इम्पैक्ट दिखाती हैं, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है। टीएस ग्रेवाल में ये जो टोटल्स हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इलस्ट्रेशंस में, वो टोटल्स के बेसिस पे किया हुआ है, और जो पीछे क्वेश्चन है अनसॉल्व, वो नेट इम्पैक्ट दिखा रखा है। दोनों बातें एग्जैक्टली करेक्ट। ध्यान से देखिए।